الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بدي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله प्यारे बच्चों और केड्स मदनी चैनल के नाजरीन एक बार फिर प्रोग्राम आपके इम्तिहान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं प्यारे बच्चों जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस प्यारे से प्रोग्राम में होते हैं बहुत से मुख्तफ सेगमेंट जैसा कि लफ्ज़ों की तोड़ जोड़ सही या गलत सवालात के जवाब पिक्चर पहचाने किस्मत आजमाए होता है टीम ए और टीम बी के बीच में मुकाबला और प्रोग्राम के एंड में हम बताते हैं कि टीम ए जीती है या फिर टीम बी तो प्यारे बच्चों आए अब मुकाबला आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे ले के चलते हैं आप अपने प्रोग्राम में धुरू शरीफ की फजीतः शामिल करते हैं अल्लाह पाक मोहम्मद अरबी वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शोक और मोहब्बत की वजह से तीन तीन मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक पर हक है के वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे प्यारे बच्चे और नाजरी चलते हैं अपने पहले जिसका नाम है लफ्जों की तोड़ जोड़ लेकिन उससे पहले अपने प्रोग्राम आपके इम्तिहान में अपने सभी भाई से एक कलाम शामिल करते हैं السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف ہیں آپ؟ الحمد لله رب العالمين على كل حال آج آپ ہمیں کون سب سے و سب سے بالا ہمارا نبی جی شروع اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد

Di jadina maulana Muhammaden. Ramzadon ko raza, ramzadi jekhre. Ramzadon ko raza, ramzadi jekhre. Ramzadon.

प्यारे बच्चों और किड्स मनी जाए के नाजरीन अब चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है लफ्जों की तोड़ जोड़ आपका इंतिगा, इंतिगा, आपका इंतिगा। प्यारे बच्चों और किड्स मनी जाए के नाजरीन आ चुके हैं अपने सेगमेंट लफ्जों की तोड़ जोड़ इसमें होगा कुछ यू कि कुछ अल्फाज टीम ए को दिखाई जाएंगे और कुछ अल्फाज टीम बी को दिखाई जाएंगे लेकिन वो अल्फाज स्पेलिंग उनमें मिस्टेक होगी वो जंबल वर्ड्स होंगे आगे पीछे उनकी स्पेलिंग होंगी तो इनको स्पेलिंग करेक्ट करके उनका एक वर्ड बनाना है तो टीम ए के लिए पहला वर्ड दिखाए जन्नत आपने कहा जन्नत चल आए देखते हैं ये जन्नत है कि नहीं आपने कहा जन्नत और आप है। स्थानुगा। स्थानुगा। यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने जन्नत पैदा फरमाई है जिसमें सिर्फ मुसलमान ही दाखिल होंगे टीम का तो पहला वर्ड दिखाया और टीम ए ने अपना पहला वर्ड गैस कर लिया अब देखते हैं कि टीम ए बाकी दो वर्ड गैस कर पाती है टीम ए के लिए दूसरा वर्ड आपने कहा वजू चले आए देखते हैं क्या है आपने कहा वजू और आपका जवाब दुरुस्त है करने से भी बहुत सारे गुनाह मुआफ हो जाते हैं टीम ए ने अपने दो दो वर्ड्स गेस कर लिए अब देखते हैं कि तीसरा वर्ड गेस करने में कामयाब होती है कि नहीं टीम ए के लिए तीसरा वर्ड हम्म आपने कहा दुआ चल आए देखते हैं ये दुआ है कि नहीं आपने कहा दुआ और आपका जवाब दुरुस्त है अरे बच्चों अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूँगा टीम ए ने अपने तीनों वर्ड्स गैस कर लिए अब देखते हैं कि टीम बी कितने वर्ड्स गैस करने में कामयाब होती है टीम बी के लिए पहला वर्ड दिखाएं मशुरा कर सकते हैं आप <laughs> काउंट डाउन शुरू करेंगे फाइव फोर थ्री टू वन और टीम बी अपना पहला वर्ड गेस नहीं कर पाई चलिए आए देखते हैं ये कौन सा वर्ड है जी ये था मज़ार प्यारे बच्चों मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी का मजार शरीफ हमारे प्यारे आकलम के मुबारक के साथ है तो टीम बी से पहली गलती हो गई है ये अपना पहला वर्ड गेस नहीं कर पाए चले आप देखते हैं की बाकी तो गैस कर पाते हैं की नहीं तो टीम बी के लिए दूसरा वर्ड दिखाए आपने कहा आविल चले आए देखते हैं ये क्या है आपने कहा आबिल लेकिन ये है वली पहले बच्चों, हमारे गौ से पाक रहमत वलियों के भी सरदार हैं टीम बी से दूसरी गलती भी हो गई है अब देखते हैं कि तीसरा वर्ड गेस्ट कर पाती है कि नहीं टीम बी के लिए तीसरा वर्ड दिखाए आपने कहा तोबा चले आए देखते हैं ये तोबा है कि नहीं आपने कहा तोबा और आपका जवाब दुरुस्त है अल्लाह. प्यारे बच्चों करने वाला पाक को पसंद है. टीम बी ने तीन में से सिर्फ एक ही वर्ड गेस किया है तो इस सेकंड में कौन जीता टीम ए टीम ए लेकिन मुकाबला अभी भी बाकी है और भी बहुत सारे सेगमेंट बाकी तो प्यारे बच्चों और किड्स मंदिर के नाजरीन ये था हमारे सेगमेंट लफ्जों की तोड़ जोड़ अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सही या गलत आपका इम्तिगा, इम्तिगा, आपका इम्तिगा। तो प्यारे बच्चों और किड्स मनि चैनल के नाजरीन हम आ चुके सेगमेंट सही या गलत में इसमें होगा कुछ कि मैं कुछ जुमले टीम ए को बोलूँगा और कुछ जुमले टीम बी को बोलूँगा उसके आखिर में मैं बोलूँगा सही या गलत आपने बताना है कि वो जुमला सही है या गलत तो मेरा पहला जुमला टीम ए से है गौसे पाक मतुल्ल आले का नाम अब्दुल कादिर है सही या गलत सही जी आपने कहा सही और आपका जवाब दुरुस्त है अब मेरा अगला जुमला टीम बीस है गौसे पाक मतुल्ला का उर्स शरीफ रबील के महीने में आता है सही या गलत 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 आपने कहा गलत और आपका जवाब दुरुस्त है सुभान अल्लाह उजलेगो से पाक रहमतुल्लाहि अलैका और शरीफ रबीउल आखिर के महीने में आता है अब मेरा अगला जुमला टीम ए से है अहद नाम का मुबारक पहाड़ मदीना शरीफ में है। सही या गलत सही और आपका जवाब दुरुस्त है सुभान अल्लाह अब मेरा अगला जुमला टीम बी से है हदीस पाक में दुआ को मोमिन का हथियार फरमाया गया है सही या गलत सही।, सही आपने कहा सही और आपका जवाब अब मेरा अगला जुमला टीम ऐसे है कौसर में सात आयते हैं सही या गलत 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 आपने कहा गलत और आपका जवाब दुरुस्त सूर्य कौसर में तीन आयते हैं अब मेरा अगला जुमला टीम बी के लिए है नमाज की एक रकत में दो सजदे किए जाते हैं सही या गलत सही सही आपने कहा सही और आपका जवाब दुरुस्त है आनो आनो। आनो। अब मेरा अगला जुमला टीम ए के लिए है हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मजार शरीफ मक्का शरीफ में सही या गलत सही आपने कहा सही और आपसे पहली गलती हो गई है हजरत आयशा सिद्दीका अल्लाह का शरीफ में है ना कि मक्का शरीफ में टीम ए से पहली गलती हो गई है अब देखते हैं कि टीम बी से गलती होती है कि नहीं तो मेरा अगला जुमला टीम बी के लिए है असर की नमाज में चार सुनते होती है सही या गलत सही आपने कहा सही और आपका जवाब दुरुस्त है अब मेरा अगला जुमला टीम ए के लिए है जन्नत का दरवाजा सबसे पहले ईसी सलाम खटखटाएंगे सही या गलत सही। आपने कहा सही और आपसे दूसरी गलती हो चुकी है जन्नत का दरवाज़ा सबसे पहले अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ही वसल्लम खटखटाएंगे टीम ए से दूसरी गलती हो चुकी है अब मेरा अगला जुमला टीम बी है हज़रत आपका जवाब है प्यारे बच्चों और किड्स बदी है नाजरीन इस सेगमेंट में टीम ए से कितनी गलती हुई दो। तो टीम बी ने एक भी गलती नहीं की तो इसमेंट में कौन जीता टीम बी पहले सेगमेंट टीम ए जीती और दूसरा सेगमेंट टीम बी जीती अभी और भी राउंड्स बाकी हैं अभी और भी मुकाबले बाकी हैं तो प्यारे बच्चों और किड्स बनी जाए के नाज़रीन अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कहानी आपका इंतज़ार आपका आपका इंतज़ार प्यारे बच्चों और किड्स बनी जाए के नाज़रीन आ चुके हैं अपने सेगमेंट कहानी में आपने कहानी गौर से सुननी होगी कहानी के ख़त्म होने के बाद कहानी से रिलेटेड मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा तो देखते हैं कि कौन कहानी गौर से सुनता है आखिर में कौन ज़्यादा सही जवाब देता है तो चले अब कहानी को शुरू करते हैं प्यारे बच्चों एक वाली बुरहानी रही रोजाना एक बार में कुरान पाक फरमाते थे यानी एक मुकम्मल कुरान रोजाना पढ़ते थे आप रहमत हमेशा दिन को रोजा रखते और सारी रात इबादत फरमाते जिस मस्जिद से गुजरते उसमें तो मस्जिद जरूर पढ़ते आप रहमत खुद फरमाते हैं मैंने जामा मस्जिद के हर सुतून के पास एक कुरान पाक का खत्म किया और अल्लाह पाक की बारगाह में रोया हूँ नमाज तिलावत के साथ आप अलैह को खास मोहब्बत थी आप अलैह पर ऐसा कर्म हुआ के रश का चुनाचे इंतकाल के बाद जब आपको दफन किया जा रहा था उस वक्त अचानक एक ईट हट अंदर चली गयी लोग इन उठाने के लिए जब झुके तो ये देखकर हैरान रह गए आप रहमत अलैह कबर में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। आप रहमत के घर वालों से जब मालूम किया गया तो आपकी बेटी ने बताया की वालिद मोहतरम्लै रोजाना दुआ किया करते थे या अल्लाह अगर मौत के बाद किसी को कबर में नमाज पढ़ने की सादत अदा फरमाए तो मुझे भी मुशर्र फरमाना प्यारे बच्चों ये भी कहा गया है जब भी लोग आप रहमतुल्लाह ताला आल के मज़ार शरीफ के पास ऐसी गुजरते तो कबर ऐसी तिलावत कुरान की आवाज़ आ रही होती दहन मेला नहीं होता बदन मेला नहीं होता खुदा के औलिया का तो कफन मेला नहीं होता अल्लाह पाक के उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी बेहिसाब मगफिरत हो आमीन बिजा के नबी अमीन सल्लाम प्यारे बच्चों और किड्स मदी चाहे के नाजरीन उम्मीद है कि आपने कहानी गौर से सुनी होगी अब आपसे कहानी से रिलेटेड कुछ सवाल करूँगा तो आप रेडी हैं जी तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं तो मेरा पहला सवाल टीम ए से है हजरत साबित बुरानी रहमतुल्लाह अलै रोजाना क्या करते थे आप रहमतुल्लाह तआला पूरे दिन रोजा रखते और रात को कयाम यानी इबादत करते हम्म आपने कहा आप रहमतुल्लाह अलै हमेशा दिन को रोजा रखते और सारी रात कयाम यानी इबादत फरमाते और आपका जवाब दुरुस्त है अब मेरा अगला सवाल टीम बी है आप जब किसी मस्जिद के पास से गुजरते तो आपका क्या अंदाज था आप जिस मस्जिद से गुजरते उस मस्जिद में दौड़ का नफेल तहियतुलमस्जिद तो जरूर अदा करते जी आपने कहा आप जिस मस्जिद से गुजरते उसमें दौड़ का तहयतुल तहियतुलमस्ज जरूर पढ़ते और आपका जवाब भी दुरुस्त है अब मेरा अगला सवाल टीम ऐसे है आप रतल को किस चीज़ से खास मोहब्बत थी नमाज और कुरान नमाज से और कुरान की तिलावत जी आपने कहा नमाज से और तिलावत है कुरान पाक से और आपका जवाब दुरुस्त है अब मेरा अगला सवाल टी बी से है आप रोजाना कितना कुरान पाक पढ़ते थे एक अपने कुरान फरमाया करते थे आपने कहा कि आप रोजाना एक खत में कुरान फरमाए करते थे और आपका जवाब दुरुस्त है।, है आपकी कबर से किस चीज़ की आवाज आया करती थी कुरान की तिलावत करने की जब भी लोग आप रहमतुल्लाह ताला रहमत के मजार के करीब से गुजरते तो कबर शरीफ से कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ आ रही होती थी और आपका जवाब दुरुस्त है अब मेरा अगला सवाल टीम बी से है इस वाक्य से हमें क्या सबक मिला कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए और पाबंदी से नमाज पढ़नी चाहिए जी हाँ इस वाक्य से हमें यह सबक मिला कि कुरान पाक की खूब तिलावत करनी चाहिए और पाबंदी से नमाज पढ़नी चाहिए तो प्यारे बच्चों और केड्स के ये था हमारा सेगमेंट कहा कितनी गलती आई एक भी नहीं और टीम भी, ने? एक भी, एक भी नहीं तो ये मुकाबला क्या हो गया आए। 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 मगर और भी सेगमेंट अभी बाकी है तो प्यारे बच्चे को आगे बढ़ाते हैं अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है किस्मत आज प्यारे बच्चे और किड्स मदी के नाजरीन आ चुके अपना सेगमेंट जिसका नाम है किस्मत आजमाए इस पे होगा कुछ यूं कि चार बॉक्सी टीम ए खुलवा सकती है और चार बॉक्सी टीम बी खुलवा सकती है उन बॉक्सेस के अंदर कोई चीज मौजूद होगी या फिर किसी नबी का नाम या फिर किसी जगह का नाम इनको टोटल तीन हिंट लेने का मौका मिलेगा जितनी कम हिंट ले और जल्दी गेस कर ले उतना ही ज्यादा फायदा है जिसने कम हिंट में में ज्यादा गेस कर लिया वही सेकंड जीतेगा तो टीम ए अपना पहला बॉक्स कौन सा खुलवाएगी नंबर फाइव नंबर फाइव की पहली है एक मशहूर किताब है दूसरे इंट नंबर फाइव की दूसरी है अहदीस से उसका ताल्लुक है तीसरी तीसरे तीसरी हिंट नंबर फाइव की तीसरी हिंट है उसके नाम का पहला लव्स बे है। तो काउंटडाउन शुरू करेंगे। फाइव, फोर, थ्री, टू, तो, वन और टीम ए ने नंबर फाइव किया था। उसकी तीर हिंट भी ले ली। फिर भी वो जवाब तक ना पहुंच सके। चले आए देखते हैं वो क्या चीज़ है। नंबर फाइव में है बुखारी शरीफ और टीम ए से पहली ग़लती हो चुकी है अब टीम बी कौन सा बॉक्स खुलवाएगी नंबर फोर नंबर फोर नंबर फोर की पहली है एक अरबी लफ्ज़ है Different. दूसरी कुरान पाक में भी वो लफ्ज आया है तीसरे हिंट तीसरी हिंट ठीक के वक्त भी वो लफ्ज़ कहा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह चलिए आए देखते हैं क्या है ये आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह और आपका जवाब दुरुस्त है टीम ए से पहली गलती हो गई थी लेकिन टीम बी ने अपना पहला जवाब बताया अब टीम ए दूसरा बॉक्स कौन सा खुलवाएगी नंबर वन नंबर वन नंबर वन।, वन की पहली है एक नबी सलाम का नाम है दूसरी हिंट। हिंट। आप सलाम एक नबी सलाम के भाई हैं तीसरी हिंट आप पढ़ सलाम के भाई पर तो रह शरीफ नाजिल हुई आपका इम्तिगा, इम्तिगा, आपका इम्तिगा। करेंगे ने दोबारा तीन ली लेकिन ये जवाब तक ना पहुंच सके अब देखते हैं कि नंबर वन में क्या है नंबर वन में है हजरत हारून अली सलाम और टीम ए से गलती हो चुकी है अब देखते हैं कि टीम बी अपना अगला बॉक्स कौन सा खुलवाएगी नंबर सिक्स नंबर सिक्स नंबर सिक्स की पहली इंड एक मशहूर शहर है हिंट। दूसरी इंड दूसरी इंड जिस शहर की तारीफ में बहुत सारे कलाम भी लिखे गए हैं तीसरी इंड तीसरी इंड हमारे प्यारे आकाश सल्ला मुबारक रोजा शरीफ भी उस शहर में है मदीना शरीफ में आपने कहा मदीना शरीफ चले आए देखते हैं आपने कहा मदीना शरीफ और आपका जवाब दुरुस्त है टीम बी ने दोबारा तीनों लेकिन ये जवाब तक पहुंच गए टीम बी ने अपना दूसरा जवाब भी दुरुस्त बता दिया अब देखते हैं कि टीम ए कौन सा बॉक्स चूज करेगी नंबर टू नंबर टू की पहली इंडे एक खास इबादत है दूसरी हिंट नमाजों का भी उस इबादत से खास ताल्लुक है तीसरी हिंट तीसरी हिंट। उस इबादत में है भी आता है। अजान अजान आपने कहा अजान। चले आए देखते हैं आपने कहा अजान और आपका जवाब दुरुस्त है टीम ए ने अपना पहला जवाब दुरुस्त बता दिया है अब देखते हैं कि टीम बी अपना कौन सा दूसरा वक्त खुलवाती है नंबर थ्री की पहली इंड एक इस्लामी महीने का नाम है दूसरी इंड इस महीने में कुछ खास इबादतें की जाती हैं तीसरी इंड इस्लामी साल इसी महीने पर खत्म होता है देखते हैं आपने कहा कहाजा और आपका जवाब दुरुस्त है अब टीम कौन सा बॉक्स चूज करेगी नंबर एट नंबर एट की पहली हिंड एक पीने की चीज है दूसरी दूसरी हिंट, दूसरी हिंट। उसका कलर व्हाइट है तीसरी तीसरी हिंड इसके नाम में दो बार हर्फ दाल आता है दूध चले यहाँ देखते हैं कि दूध है कि नहीं आपने कहा दूध और आपका जवाब दुरुस्त है अब टीम बी के पास और कोई चॉइस तो बची नहीं है तो नंबर सेवन की पहली हिंट है अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है। दूसरी दूसरी, वो नेमत इंसानों में से है तीसरी जिसके पाऊ तले जन्नत फरमाई गई है माँ माँ आपने कहा माँ चले आए देखते हैं आपने कहा माँ और आपका जवाब दुरुस्त है सुभान अल्लाह तो प्यारे बच्चों और किड्स बने चाहिए के नाज़रीन ये था हमारा सेगमेंट किस्मत आजमाए इसमें हमारी टीम भी जीत चुकी है प्यारे बच्चों और किड्स बने चाहिए के नाज़रीन इसी के साथ हमारे प्रोग्राम आपके ध्यानGamma के इंतजाम को मौज हमें दी इजाजत मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में देखते रहिए किड्स मति चैनल प्यारा प्यारा कभी किसी जवाब कभी आपका इम्तिग आपका इम्त बच्चों का मदनी आ गया आ गया आ गया